बालको प्रबंधन के सहयोग से योग मित्र मंडल द्वारा आयोजित 10 दिवसीय योग शिविर के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा विधायक श्री जयसिंह अग्रवाल थे। श्री अग्रवाल और बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री विकास शर्मा ने योग शिविर में शामिल नागरिकों को साधुवाद दिया। विधायक श्री अग्रवाल ने आयोजन में बालकों के सहयोग को उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि आचार्य स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती के योगाभ्यास के प्रशिक्षण से नागरिकों को काफी लाभ मिला है। बालकों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने इसका लाभ लिया है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ कि 10 साल से आप लगातार हमारे कोरबा क्षेत्र में यहाँ योग सिखा कर लोगों को लाभ मिला है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार बालकों के सहयोग से ये शिविर आने वाले वर्षों में भी लगातार जारी रहेगा और भी जितनी सोशल एक्टिविटीज होती है वो बालको आपको निश्चित तौर पे बालको वासियों के लिए जारी रखेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। श्री विकास शर्मा ने कहा कि अष्टांगिक योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रकृति से जुड़ने का मार्ग भी दिखाता है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें ताकि उनका दीर्घकालिक लाभ उन्हें मिल सके। जो स्वामी जी ने बात बताई थी, 3H की बताई थी, हेड हार्ट एंड हैंड, कि हम कैसे इनको काम लें मानव कल्याण के लिए, और हमने बात भी की थी कि अष्टांगिक योग क्या है, उसके जो 8 स्तंभ हमने उसकी बात की। योग जुड़ना है, योग जुड़ाव है। अष्टांगिक योग हमको ये बताता है कि हम कैसे स्वयं से जुड़कर उस परमात्मा से जुड़े, आत्मा को परमात्मा से जुड़े। योग का ये भी है कि हमको अपने आसपास के जो पशु पक्षी हैं या जो पर्यावरण है हम उसको कैसे जोड़ें, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि हम इस निरंतरता को बनाए रखें, उस योग का अभ्यास करें, अपने अंदर उस कृष्ण को, उस नाम को जिंदा रखें और जीवन का वास्तविक आनंद उठा करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपने ये शिविर अटेंड किया, आपने जो इसमें उपस्थिति दी उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। स्वामी जी आपको बहुत बालको नगर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुमेर डालमिया सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने बेहतरीन आयोजन के लिए बालको प्रबंधन की प्रशंसा की। कार्यक्रम में बालको के कंपनी संवाद एवं CSR प्रमुख श्री आशीष रंजन एवं अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे।